तो जैसे ही चिराग और काव्या को भाई बहन बनाया गया तो उनके फैंस है वो सोनी टीवी पर द कंटेंटीन ऑफिशियल पर टूट पड़े, मेकर्स पे टूट पड़े कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, इंडियन आइडल को आपने क्या बना कर रख दिया है। जी हाँ, वैसे तो इनकी जोड़ी है वो अभी काफी ज्यादा चर्चा में आनी शुरू हुई थी, लेकिन ऐसे में एक और जोड़ी है जिस पर रिस्पॉन्स काफी अच्छा आने लगा, तो मेकर्स ने सोचा अब इस जोड़ी को करते हैं एंड, यानी इनकी लव स्टोरी को करते हैं खत्म और दूसरी लव स्टोरी को शुरू करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेकर्स को अब ट्रोल होना पड़ रहा है, सोनी टीवी को ट्रोल होना पड़ रहा है, क्योंकि जो काव्या और चिराग के फैंस हैं जो इनकी जोड़ी को पसंद करते थे उन्हें ये लव स्टोरी अब पसंद आने लगी थी, तो वो अब कहते हैं कि अब इनको भाई बहन बना दिया, फीलिंग के साथ खेल रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, पहली बात तो ये है कि ये सब होता है टीआरपी के लिए, वो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, तो एक स्क्रिप्टेड होता है। ऐसा नहीं है कि काव्या ने चिराग को रिजेक्ट कर दिया या फिर अब चिराग ने काव्या को रिजेक्ट करके बोल दिया कि राखी बांध दो, तो ऐसा नहीं कि वो खुद ऐसा चाहते हैं, ये सब कुछ स्क्रिप्ट के अनुसार होता है। मेकर्स इन्हें बोलते हैं कि भाई तुमने क्या उसको बोलना है, काव्या ने चिराग को क्या बोलना है, ये सब एक स्क्रिप्ट के अनुसार चलता है। और सेम चीज दूसरी जोड़ी यानी ऋषि और प्रदीप्ता में करवाई जा रही है। ऋषि आपको पता है कि कितने इनोसेंट बॉय है और ऐसे में वो सब ये नहीं बोल पाते, लेकिन फिर भी एक स्क्रिप्ट के अनुसार उन्हें चलना पड़ रहा है, वो बोल रहे हैं काफी सारी चीजें, तो ये चीजें अभी हो रही है। तो कुल मिलाकर फैंस अभी गुस्से में है कि ठीक है आपने हमारी फीलिंग के साथ खेलना था, तो आप ठीक है स्क्रिप्ट के अनुसार इनकी लव स्टोरी चलाते रहते, इनको भाई बहन ना बनाते, तो ये इंप्रेशन कहीं ना कहीं फैंस के दिलों पर बुरा पड़ा है और इन्हें बहुत बुरा लगा है कि हमने तो इनके हैशटैग बना दिए थे, हम इनकी जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद करते थे, हम इनके लिए शो देखते थे, अब हम शो नहीं देखेंगे। तो काफी सारी चीजें हुई है, लेकिन एक सच है वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ना तो इनका लव शब्द था, ना ही कुछ ऐसा था, टीआरपी के लिए, शो की टीआरपी के लिए ये सब करवाया जाता है, लव स्टोरी बनवाई जाती है। फिलहाल आप इस पर क्या कहेंगे, फैंस तो अभी सोनी टीवी को ट्रोल कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम कमेंट सिलेक्ट करके अगले वीडियो में बताएंगे कि किसने क्या बोला है। मिलते हैं कुछ ही देर में इंडियन आइडल सीजन 13 की नई और बड़ी अपडेट के साथ।